हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली, और आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए भूल भुलैया 2 मूवी का ट्रेलर रिव्यू। जी हां, 2007 में एक मूवी आई थी भूल भुलैया, जिसमें हमको अक्षय कुमार और विद्या बालन की जबरदस्त जोड़ी देखने को मिली थी। उस मूवी का सीक्वल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर की अगर बात करें तो इसमें हमको लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं कार्तिक आर्यन, तब्बू, कियारा आडवाणी और राजपाल यादव जैसे कलाकार। खैर, ट्रेलर को देखने के बाद ट्रेलर कैसा लगा, मूवी कैसी रहने वाली है, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 2007 में जो मूवी आई थी भूल भुलैया, वो एक साउथ मूवी का ऑफिशियल हिंदी रिमेक थी, जिसको प्रियदर्शन सर ने बनाया था। और बात करें अगर भूल भुलैया 2 की, ये ना तो किसी मूवी का रीमेक है और ना ही प्रियदर्शन सर इस मूवी को बना रहे हैं। खैर, अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये मूवी किस वे में जाने वाली है। बात करें अगर ट्रेलर की, तो ट्रेलर देखने के बाद लगभग काफी सारी चीजें पहली वाली भूल भुलैया से कॉपी की हुई लग रही है। फिर चाहे कार्तिक आर्यन का गेटअप देख ले, वो अक्षय कुमार वाले गेटअप से काफी ज्यादा मैच कर रहा है, या फिर वो भूतिया हवेली देख लीजिए, इसके अंदर मंजुलिका हमको देखने को मिली थी उस भूल भुलैया में। बात करें इस भूल भुलैया की, तो इसके अंदर भी मंजुलिका ही वापस आई है, मतलब 15 साल के बाद वही मंजुलिका चुड़ैल वापस से आ गई है। ये चीज भी कॉपी की हुई लग रही है। बात करें इस मूवी की कॉमेडी की, तो जो पहले वाली भूल भुलैया थी उसके अंदर एक सिचुएशनल कॉमेडी हमको देखने को मिली थी, जहां कलाकारों के सिर्फ एक्सप्रेशंस के जरिए ही हमारे चेहरे पर हंसी आ गई थी। और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग कितनी लाजवाब है, ये तो हम सभी को पता है। बात करें अगर इस मूवी के ट्रेलर की, ट्रेलर देखने के बाद कॉमिक टाइमिंग तो कहीं पर देखने को नहीं मिल रही, पर हाँ, फोर्सफुली काफी कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो जबरदस्ती की कॉमेडी बॉलीवुड वाले क्रिएट करते हैं ना, वो देखने को मिल रही है। अब बात आती है यहाँ पर कार्तिक आर्यन पर। बंदा टैलेंटेड तो बहुत है, पर क्या वो अक्षय कुमार की कमी पूरी कर पाएगा? मतलब अक्षय कुमार सर की जो कॉमिक टाइमिंग है, क्या उसको पूरी कर पाएगा? और उस मूवी के अंदर जो विद्या बालन ने मंजुलिका का कैरेक्टर प्ले किया था, जो डराया था लोगों को, क्या इस मूवी के अंदर जो मंजुलिका बनी है, क्या वो डर पैदा कर पाएंगी? इस ट्रेलर को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा। ट्रेलर पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता है। हाँ, ट्रेलर के अंदर अगर कुछ देखने को मिला है तो वो है इसकी स्टार कास्ट, जो काफी दमदार देखने को लग रही है। और अगर फिल्म मेकर्स ने उनसे अच्छा काम निकलवा लिया तो अपना 100% जरूर डाल सकती है। पर ट्रेलर को देखने से ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि जो डायलॉग्स हैं फरहाद सामजी सर ने लिखे हैं, उनके डायलॉग्स कैसे होते हैं सभी को पता है। और ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ खास डायलॉग सुनने को नहीं मिला जिससे चेहरे पर अचानक से हंसी आ जाए, या कुछ ऐसे विजुअल्स देखने को नहीं मिले जिनको देखकर अचानक से आपको डर लगे, जो पहली वाली भूल भुलैया मूवी के अंदर देखने को मिला था। मतलब उसके अंदर अक्षय कुमार सर की कॉमिक टाइमिंग और विद्या बालन ने जो डराया था ना, वो कॉम्बो देखने में ही एक अलग ही माहौल पैदा हो गया था, जो इस मूवी के ट्रेलर से पूरी तरह से नदारद हमको नजर आया है। खैर, एक ट्रेलर को देखकर पूरी मूवी को जज तो किया नहीं जा सकता, वेट करना होगा इस मूवी की रिलीज डेट का। ये मूवी रिलीज हो रही है 20 मई को सिनेमा घरों के अंदर, तो 20 मई का वेट कीजिए, फिर देखिए क्या देखने को मिलता है, मूवी हिटेगी या पिटेगी। खैर, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है, ट्रेलर आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है, कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार सर की कमी पूरी कर पाएंगे? क्या उस वाली भूल भुलैया से ये मूवी कहीं पर कुछ सिमिलर आपको ट्रेलर देखने से लगा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खैर, आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर भी लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें, ताकि जब भी मैं फेसबुक पर कोई वीडियो डालूं वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी चलता हूं, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना।